स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर केमिस्ट्री क्लासरूम। प्यारे बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं गैसियस स्टेट की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, एंड दैट इज लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेस। ओके, इससे पहले आप लोगों ने जब रियल और आइडियल गैसेस के बारे में पढ़ा, उनके डिफरेंसेस भी पढ़े, तो मैं जस्ट उनकी इक्वेशन को रिवाइज करवाऊंगी आपको। अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन, इट इज PV इक्वल्स nRT। और जब हम इस इक्वेशन को रियल गैसेस के लिए डेराइव करते हैं, जब हमने इसको डेराइव किया, हमने प्रेशर को मॉडिफाई किया। कैसे? अब जो रियल गैस का प्रेशर है, इट इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ आइडियल गैस प्लस एक स्मॉल फ्रैक्शन हमने उसमें ऐड की थी, करेक्शन टू द प्रेशर। क्योंकि आइडियल गैस किस चीज के ऊपर बेस्ड थी? दैट देयर इज नो मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। लेकिन रियलिटी के अंदर, रियल गैसेस के अंदर, देयर इज इंटरैक्शन बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स। ठीक है, फिर ये जो पी था, इट वॉज इक्वल टू, इट वॉज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, आपको पूरी डेरिवेशन याद है, तो इक्वल टू आ गया हमारे पास ए एन अपॉन वी स्क्वायर। ये हमने इसको करेक्शन दे दी। ठीक है, तो इट विल बी इक्वल टू पी आइडियल प्लस ए एन अपॉन वी स्क्वायर, इट इज पी रियल। सिमिलरली जो वॉल्यूम था, ठीक है, अब मैं वॉल्यूम की बात करती हूं, लेट मी टेक इट हियर। तो वॉल्यूम ऑफ रियल गैस, इट विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस माइनस एन मोल्स के लिए मुझे गैस मॉलिक्यूल्स का अपना वॉल्यूम इसमें से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि जब वॉल्यूम ऑफ गैस कम है, तो हम गैस मॉलिक्यूल्स के अपने वॉल्यूम को निगलेक्ट नहीं कर सकते। इट मींस कंटेनर के अंदर कुछ जगह तो उन मॉलिक्यूल्स ने घेरी हुई है, तो फिर जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो पूरे कंटेनर के अंदर मूव नहीं कर सकते। उनकी जो फ्रीडम है, दैट इज लिमिटेड टू सर्टन लेसर एरिया, तो फिर उस एरिया को हमें इसमें से माइनस करना पड़ेगा। इन दोनों को मॉडिफाई किया, तो ये जो इक्वेशन थी, पी की जगह पे अब हमारे पास क्या आ जाएगा? पी प्लस ए एन अपॉन वी स्क्वायर। ठीक है, और वी की जगह पे क्या आएगा? V माइनस एन बी इक्वल टू एन आर टी। ऐसे मॉडिफाई किया था ना, P की जगह पे आ गया P प्लस स्मॉल, ये रहा स्मॉल P फैक्टर, और V की जगह पे आ गया V माइनस एन बी। तो इस तरीके से हमने आइडियल गैस को कन्वर्ट कर दिया किसमें? रियल गैस के अंदर, क्योंकि हमारी डेली लाइफ के अंदर वी डील विद रियल गैसेस, not with ideal gases, क्योंकि ideal gas it is a hypothetical word, ठीक है, hypothetical means दिमाग की उपज है, reality में nothing is ideal, ideal एक properties का set है, एक frame है जो हमने set कर दिया, that ideal gases every temperature और pressure के ऊपर gas laws को follow करती हैं, okay? बट इन रियलिटी इट इज नॉट पॉसिबल, रियलिटी में ऐसा नहीं होता। आप आइडियल और रियल गैसेस के जो बिहेवियर थे, आइसोथर्म्स थे, उनके ग्राफ्स को मैंने अच्छे से समझाया है प्रीवियस वीडियो के अंदर, जिसने नहीं देखा है रीवॉच वीडियो, ठीक है, ओके। अब लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेस, उसमें हम बार बार बात कर रहे हैं दैट रियल गैसेस कैन बी लिक्विफाइड, आइडियल गैसेस लिक्विफाइड नहीं होती। क्यों? क्योंकि उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती ही नहीं। और किसी भी गैस को अगर हमें लिक्विफाई करना है, उसको वेपर फॉर्म में लेके जाना है, लिक्विड फॉर्म में लेके जाना है, देन देयर मस्ट एग्जिस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स। उनको क्लोज लाते गए, अल्टीमेटली उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हुआ और वो लिक्विफाई हो जाते हैं। द बेस्ट एग्जाम्पल सबने देखी हुई है, एलपीजी, लिक्विफाइड, वर्ड यूज कर दो, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है,
इट इज लिक्विफाइड. पेट्रोलियम गैस के अंदर क्या आ गया? ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, प्रोपेन. ओके, उनको अंडर हाई प्रेशर लिक्विफाई कर लिया गया और जो हमारे घरों में सिलेंडर की सप्लाई आती है उसके अंदर उसको भर दिया हाई कंप्रेशर के साथ. ठीक है, हाई प्रेशर के दौरान उसको कंप्रेस करके भर दिया जाता है तब वो लिक्विफाई होती है. ठीक है, लेकिन जब बर्निंग के टाइम वो बर्नर से आउट आती है तो दैट इज नॉट वेपर, वो गैशियस फॉर्म के अंदर है. ठीक है, जैसे बर्नर ऑन किया बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो सिलेंडर के प्रेशर के साथ वो इंटरैक्ट करेगा, बाहर प्रेशर कम अंदर ज्यादा, तो वो गैशियस फॉर्म के अंदर बर्नर से बाहर आना शुरू कर देगी. ठीक है, तो अब लिक्विफिकेशन की हम बात करें. देखिए, गैसेस को लिक्विफाई हम दो तरीकों से कर सकते हैं. एक, टेम्परेचर कम कर दो, दूसरा प्रेशर इंक्रीज कर दो, है ना. टेम्परेचर कम करने का क्या मतलब हुआ? बाय लोअरिंग टेम्परेचर. ओके, देखो, डिक्रीज इन टेम्परेचर मतलब डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि आपको पता है काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. अगर टेम्परेचर कम किया तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स डिक्रीज करेगी, डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स. ठीक है, अब मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी कम हो गई, मॉलिक्यूल धीरे 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 चल रहे हैं, धीरे धीरे चल रहे हैं तो एक दूसरे के नजदीक ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे. ठीक है, तो उनको अगर हम थोड़ा सा प्रेशर बढ़ाएंगे दे विल गेट मोर क्लोजर. धीरे चल रहे हैं इसलिए दे विल मूव मोर क्लोजर और दे विल गेट लिक्विफाइड. उनके बीच में चाहे स्पॉन्टेनियस या इंड्यूस्ड डाइपोल्स एग्जिस्ट करेंगे ड्यू टू वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड दे विल गेट लिक्विफाइड. दूसरा, बाय इंक्रीजिंग प्रेशर. ओके, पहले इतना बड़ा कंटेनर था, ठीक है, और ये गैस मॉलिक्यूल्स थे दूर दूर. फिर हमने इसको एक फ्रिक्शन लेस पिस्टन के साथ फिट किया और पिस्टन को नीचे लाते गए, नीचे लाते गए. ये रही इसकी फाइनल पोजिशन, मतलब ये सारे के सारे मॉलिक्यूल कहां पहुंच जाएंगे? इधर. जैसे ही प्रेशर बढ़ाया, दिस इज पी वन, दिस इज पी टू, और पी टू इज ग्रेटर देन पी वन. जैसे ही प्रेशर बढ़ाया मॉलिक्यूल नजदीक नजदीक आ गए, पास पास आए, दे विल कम क्लोजर, और इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाएगी एंड दे विल गेट लिक्विफाइड. आप अकेला अकेला फैक्टर लीजिए या दोनों को अल्टरनेटिवली यूज कीजिए. ठीक है, यू कैन मेक इट अल्टरनेटिवली, मतलब आप टेम्परेचर को कम रखिए, ठीक है, लो टेम्परेचर हाई प्रेशर, लो टेम्परेचर हाई प्रेशर, गैस विल गेट लिक्विफाइड. गैसेस कैन बी लिक्विफाइड एट लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर. ठीक है, क्यों? बिकॉज गैसेस आर रियल. अगर ये आइडियल हैं, आप देखो रियल गैस आइडियल बिहेवियर कब दिखाती है? एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर. उल्टा कर दो, टेम्परेचर को कर दिया लो और प्रेशर को कर दिया हाई, तो गैसेस विल बिकम लेस एंड लेस आइडियल, मोर एंड मोर रियल. है ना, सिंपल सी बात. किसी भी गैस को लिक्विफाई करना है, सिंपल सी बात दिखती है कि टेम्परेचर जितना कम होगा गैस को लिक्विफाई करना उतना ही इजी होगा, क्योंकि टेम्परेचर कम तो काइनेटिक एनर्जी कम, मॉलिक्यूल्स तेजी से नहीं भाग रहे हैं, वो धीरे धीरे मूव कर रहे हैं. ओके, स्पीड कम. दूसरा, जैसे ही प्रेशर हाई करेंगे आप, लो टेम्परेचर के ऊपर प्रेशर को बढ़ाएंगे, व्हाट विल हैपन? मॉलिक्यूल्स विल कम क्लोजर, उनकी स्पीड भी कम और एक दूसरे के नजदीक भी आ गए, तो अल्टीमेटली दे विल गेट लिक्विफाइड. उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप कर जाएगी. और ये तो रियल गैस का है, एंड दीज आर द कंडीशंस व्हेन रियल गैसेस कैन बिहेव लाइक आइडियल. आइडियल बिहेवियर एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, क्योंकि प्रेशर लो होगा तो वॉल्यूम विल बी वेरी वेरी लार्ज, वॉल्यूम लार्ज होगा तो मॉलिक्यूल विल बी फार अवे, एक दूसरे से दूर होंगे, राइट. हाई टेम्परेचर मींस काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, मॉलिक्यूल्स विल मूव अपार्ट, अल्टीमेटली देयर विल बी नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, देयर विल बी नो लिक्विफिकेशन, राइट. अब लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेस के अंदर आपने देख लिया, दीज आर द टू कंडीशंस, आइदर यू कैन अप्लाई वन
you can apply two and combination of both. They will work. Okay. An Irish scientist, Andrews, he has worked on liquefaction of gases. And he gave a new word, critical. Critical phenomena. अब क्रिटिकल फिनोमेना के अंदर तीन चीजें हैं हमारे पास. क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक है, उसको मैं लिखूंगी PC. क्रिटिकल प्रेशर PC एंड क्रिटिकल वॉल्यूम VC. अगर मैं क्रिटिकल टेम्परेचर की बात करूं तो इट इज द टेम्परेचर अबव विच अ गैस कैन नॉट बी liquefied high, the pressure may be. उसे हम कहेंगे critical temperature. वो temperature जिसके ऊपर gas को आप liquefy नहीं कर सकते, चाहे जितना मर्जी high pressure आप apply कर दे. Critical pressure. It is the मिनिमम प्रेशर. ये कम से कम वो प्रेशर है. इट इज द मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड टू लिक्विफाई द गैस एट क्रिटिकल टेम्परेचर. क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर वो मिनिमम प्रेशर जो चाहिए गैस को लिक्विफाई करने के लिए, दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल प्रेशर. ठीक है, अब आया क्रिटिकल वॉल्यूम. लेट्स सी दैट. नाउ दिस इज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय वन मोल ऑफ अ गैस. अब कंडीशंस कौन सी आ गई? वॉल्यूम आ गई ना. वन मोल ऑफ अ गैस एट क्रिटिकल टेम्परेचर एंड क्रिटिकल प्रेशर. तीनों ही डेफिनेशंस बहुत आसान है. क्रिटिकल टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जिसके ऊपर आप अबव विच अ गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड हाउ एवर हाई द प्रेशर मे बी. और वो मिनिमम प्रेशर जिससे आप किसी भी गैस को उसके क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर लिक्विफाई कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल प्रेशर. एंड द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय वन मोल ऑफ गैस एट क्रिटिकल टेम्परेचर एंड प्रेशर इज नोन एज क्रिटिकल वॉल्यूम. तीनों डेफिनेशंस में से एक आधी पेपर में जरूर आती है. अब देखो एंड्रयूज ने क्या काम किया है, अब हम उसकी बात करते हैं. ठीक है, आपके सामने ये ग्राफ है. दिस ग्राफ इज एन आइसोथर्म. ठीक है, दिस इज आइसोथर्म. आइसोथर्म किस किस के बीच में? प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम. ठीक है, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर. थॉमस एंड्रयूज 1861, राइट, थॉमस एंड्रयूज, इसने बहुत सारी गैसेस को स्टडी किया, बट मैक्सिमम काम है इसका कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर. ही हैज स्टडीड वेरिएशन ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ओवर अ रेंज ऑफ प्रेशर एट डिफरेंट टेम्परेचर्स विद रिस्पेक्ट टू कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, मेन क्या है, हमें ये पता चले कि ये क्या ग्राफ है. अब जरा ध्यान से देखना इसको. इस ग्राफ के अंदर हमारे पास एक चीज है, ये टेम्परेचर्स. ठीक है, ये कर्व स्टार्ट हो रहा है यहां से, ई से. ध्यान से देखना, टेम्परेचर है 13.1 डिग्री सेल्सियस. ई एफ जी एच फर्स्ट कर्व, सेकंड ए बी सी डी सेकंड कर्व, थर्ड इज ये वाला, ठीक, फोर्थ 31.1 वाला एंड फिफ्थ 50 डिग्री वाला. टोटल कितने ग्राफ हैं देखो, 1 2 3 4 5. 13.1 डिग्री, 21.5 डिग्री, 30.98 डिग्री एंड 31.1
डिग्री सेल्सियस और 50 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब आप देखिए 50 डिग्री टेम्परेचर सबसे ज्यादा, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, थॉमस एंड्रयूज ने जो काम किया लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस के बारे में, अब टेम्परेचर्स देखना 13.1, उसके बाद है 21.5 के बाद है 30.98 एंड आफ्टर दैट इट इज 31.1 और 50 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये सारे के सारे सेल्सियस स्केल के अंदर है, मैं डिग्रीज नहीं लिख रही हूं, ऑल आर सेल्सियस स्केल। और इधर को जाते हुए टेम्परेचर क्या कर रहा है, इंक्रीज। 50 डिग्री का अगर आप ग्राफ देखें ये वाला, तो ये बिल्कुल वही ग्राफ है जो आइडियल गैसेस के लिए आता है। ध्यान से देखो ये वाली लाइन, ठीक है, इस लाइन का कर्व जो है इट इज नियर टू आइडियल, क्लियर, ओके। उसके नेक्स्ट 31.1 समहाउ थोड़ा बहुत आइडियल की तरह बिहेव कर रहा है, लेकिन उसके नीचे आ जाओ 30.98, नेचर चेंज होगी थोड़ी सी। उससे नीचे आ जाओ, ग्राफ कैसे आया, यहां से यहां तक ऐसे, फिर ये इस लाइन के पैरेलल हो गया और फिर एकदम से शिफ्ट आ गई, ए बी सी डी, यहां से यहां तक, ठीक है, फिर ये बिल्कुल बराबर और यहां से बिल्कुल शार्प पीक आ गया, ठीक है, ऊपर को शिफ्ट कर गया। उसी तरीके से ई एफ जी एच, यहां से यहां तक वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है, यहां पे यहां आकर प्रेशर कांस्टेंट हो गया, वॉल्यूम तो कम हुआ लेकिन प्रेशर इज कांस्टेंट। फिर इस पर्टिकुलर वॉल्यूम के बाद, जी पॉइंट के बाद, जब हम थोड़ा सा प्रेशर, जैसे ही वॉल्यूम चेंज किया तो प्रेशर एकदम से बढ़ गया, शार्प चेंज, कि वॉल्यूम कम किया, दैट इज क्वाइट ऑब्वियस, वॉल्यूम कम करेंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, लेकिन थोड़ा सा वॉल्यूम V2 से V3 पे आते ही प्रेशर एकदम हाई हो गया, ठीक है। तो एंड्रयूज ने एक बात कार्बन डाइऑक्साइड के रिस्पेक्ट में ये निकाली, दैट एट हाई टेम्परेचर रियल गैसेस शो आइडियल बिहेवियर। ये आप पहले से पढ़कर आए हैं, हाई टेम्परेचर, एंड्रयूज ने भी वही देखा जब हम लिक्विफैक्शन की बात कर रहे हैं, अगर टेम्परेचर हाई है तो रियल गैसेस दे आर बिहेविंग लाइक आइडियल। उनका कर्व, ये वाला कर्व देखो, बिल्कुल आइडियल की तरह ही आया है जैसा आइडियल का आना चाहिए था, ठीक है। 31 वाला भी समहाउ सेम जैसा है, ओके। अब देखिए जब 30.98 वाला ग्राफ बना, ये पहुंचा, ये वाला जो पॉइंट है x, अब ध्यान से देखना 30.98 एट 30.98 डिग्री सेल्सियस एट पॉइंट x CO2 गेट्स लिक्विफाई, कार्बन डाइऑक्साइड इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर आकर लिक्विफाई हो गया, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक वॉल्यूम है जहां ये लिक्विफाई हुआ और इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक प्रेशर है, ठीक है, गेट्स लिक्विफाई और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो प्रेशर है दैट इज क्रिटिकल प्रेशर और जो वॉल्यूम है दैट इज क्रिटिकल वॉल्यूम। और CO2 के केस में ये जो क्रिटिकल प्रेशर की वैल्यू है इट इज अराउंड 73.9 और समथिंग, अराउंड 73, ठीक है, और वॉल्यूम उसकी भी एक पर्टिकुलर वैल्यू है। अब देखो इस पॉइंट के इस साइड, ये पूरा ये लाइन चलेगी ऊपर तक, ठीक है, ये डी पॉइंट हो गया। आप कर्व देखिए, यहां मैंने लिखा है 30.98, ये कर्व ऊपर गया, इस पॉइंट के ऊपर आके ये लिक्विड बन गया, इसका मतलब अब ये लाइन ऊपर चली गई, तो ये वाला पूरा पोर्शन, व्हाट इज दैट, लिक्विड, इट इज लिक्विड, ठीक है। इसी तरीके से अब ये वाला जो पोर्शन है, ये जो एजेस जोड़े हैं, ओके, ये तो हो गया ना, इस पॉइंट के ऊपर आके ये लिक्विफाई हो गया, ठीक है, तो कौन सा टेम्परेचर है, 30.98, तो 30.98 इज द
क्रिटिकल टेम्परेचर फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। अब इस पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर आप कितना प्रेशर लगाएं, 73 एटमॉस्फेयर्स, ये एटमॉस्फेयर्स में है, प्रेशर इज इन एटमॉस्फेयर्स, 73 एटमॉस्फेयर्स प्रेशर लगाएंगे, गैस विल गेट लिक्विफाइड। इस पर्टिकुलर जगह पे गैस लिक्विड में कन्वर्ट होगी। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वॉल्यूम आएगा दैट इज क्रिटिकल वॉल्यूम, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो प्रेशर आया दैट इज क्रिटिकल प्रेशर। मींस इस लाइन के इधर ये पूरा पोर्शन कार्बन डाइऑक्साइड जो है दैट इज इन लिक्विड स्टेट। ओके, अब ये जो पोर्शन है, ये जो कर्व के अंदर वाला पोर्शन है, ठीक है, दिस पोर्शन इट इज हैविंग लिक्विड एंड वेपर फेज टुगेदर। अच्छा, अब एक वर्ड यहां पे आ रहा है, गैस एंड वेपर। थोड़ा सा मैं आपको इसको क्लैरिफाई करती हूं, गैस एंड वेपर। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड की बात हम करें तो अबव 30.98 डिग्री सेल्सियस, 30.98 से ऊपर ये गैस है और 30.98 से नीचे इट इज वेपर। इस टेम्परेचर से बिलो, क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर इट विल एग्जिस्ट एज अ गैस मॉलिक्यूल इंडिपेंडेंट, और उससे नीचे, क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे, बिकॉज नाउ इट विल बी लिक्विफाइड, तो इट एग्जिस्ट एज वेपर। ठीक है, ओके, अब ये कंडीशन भी क्लियर हो गया। तो मतलब इस पॉइंट के नीचे ये वाला जो पोर्शन है इट इज हैविंग लिक्विड एंड वेपर फॉर्म टुगेदर, लिक्विड भी और वेपर भी, ठीक है, ओके, ये वाला पोर्शन लिक्विड और इसके ऊपर ये सारे का सारा पोर्शन, इस एक्स पॉइंट का ये वाली जो लाइन है इसके ऊपर सारे के सारे क्या है, गैस। इस एक्स पॉइंट का ये चीज, ये चीज, इधर सारा लिक्विड, ये वाला पोर्शन लिक्विड एंड वेपर, लेकिन इधर वाला क्या है, गैस। अच्छा, अब देखो, मान लीजिए हम लो टेम्परेचर की बात करते हैं, 13.1 डिग्री, ध्यान से देखना, यहां से स्टार्ट हुआ, जब E से F तक पहुंचा, E से F तक क्या है, ये गैस, ओके, F पे आते ही क्या बन गया, लिक्विड, यस, और F पे आके इट कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड, ये सारे का सारा CO2 का है, F पे आके ये लिक्विड बन गया, ओके, F से G, F से लेके G तक देयर इज लिक्विड एंड वेपर फेज टुगेदर, ये दोनों है, ओके, अब देखो G से लेकर H, G से लेके H इट इज ओनली लिक्विड, समझ आई बात, यहां से यहां तक गैस, यहां पहुंचते ही ये लिक्विफाई हो गया, ये कर्व लिक्विड और वेपर दोनों का है, फिर G और H इट इज ऑफ लिक्विड फेज। अब ये पर्टिकुलर जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है इस पर्टिकुलर लाइन से इधर कैसे एग्जिस्ट कर रही है, लिक्विड फॉर्म के अंदर, क्योंकि CO2 ये सारे ग्राफ्स नहीं बनाएगी, अगर आप सिंगल सिंगल बनाए 13.1 डिग्री पे सिर्फ ये वाला ग्राफ बनेगा, ई एफ जी एच, 21.5 के ऊपर बनेगा ए बी सी डी, ठीक है, 30.98 के ऊपर बनेगा एक्स वाला ग्राफ, ओके, ओके। अब एक चीज देखिए, आप चाहे ई एफ की बात करें, आप चाहे ए बी की करें, ठीक है, अब देखो ए बी के अंदर, ए बी यहां पे टेम्परेचर की रेंज है 21.5 डिग्री, ए बी इट इज गैस, ठीक है, बी के ऊपर आते ही बन गया लिक्विड, बी और सी क्या है, लिक्विड एंड वेपर, और सी से डी अगेन इट इज लिक्विड, अलग अलग टेम्परेचर्स है, अलग अलग टेम्परेचर की बात कर रही हूं, ठीक है, उसी तरीके से ये वाला कर्व यहां से एक्स पॉइंट तक क्या है, गैस, एक्स पे आते ही क्या बन गया, लिक्विड, ठीक, और उसके बाद प्रेशर जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है ये पॉइंट ऊपर को चला गया, अब ये सारे का सारा इधर गैस है और इधर क्या है, लिक्विड, ठीक है,
जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, देखो जब लो टेम्परेचर है तो ये ग्राफ कितना यहाँ पे कितना वाइड है, थोड़ा टेम्परेचर ज्यादा हुआ वाइडनेस कम हो गई, और टेम्परेचर ज्यादा हुआ वाइडनेस बिल्कुल कम हो गई, और टेम्परेचर हुआ तो ये तो कर्व ही खत्म हो गया, है ना, ये कर्व ही खत्म हो गया। अब जैसे जैसे हम वॉल्यूम को कम कर रहे हैं, ध्यान से देखना, हम वॉल्यूम को कम कर रहे हैं ई से एफ तक आते हुए, आप चाहे ए बी की बात करो, आप चाहे ई एफ की बात करो, किसी की भी बात करो, ठीक है, फ्रॉम ई टू एफ वॉल्यूम डिक्रीजेस, वॉल्यूम कम किया, ई से एफ तक आते हुए वॉल्यूम कम हुआ, कम हुआ, क्लोज हुए मॉलिक्यूल तभी तो लिक्विफाई होते हैं ना, वॉल्यूम डिक्रीजेस एंड गैस लिक्विफाइज एट पॉइंट, कौन सा पॉइंट आया ये, एफ, एफ पॉइंट के ऊपर आके गैस लिक्विफाई हो गई। ओके, अब देखो ये वॉल्यूम है वी वन, ये तो एक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग आया वी सी, अब हम इनकी बात कर रहे हैं एफ पॉइंट से जी पॉइंट तक, वॉल्यूम वी वन से वी थ्री हुआ, ठीक है, वॉल्यूम डिक्रीज हुआ लेकिन प्रेशर, प्रेशर को कोई फर्क नहीं पड़ा, वॉल्यूम कम हुआ प्रेशर नहीं बढ़ा, वॉल्यूम डिक्रीजेस एट गैस लिक्विफाइज, गैस लिक्विफाइज एट एफ एंड एफ जी, एफ जी इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, नो चेंज इन प्रेशर। देखो जब यहां से यहां पहुंचे थे हम ई से एफ तो प्रेशर चेंज हुआ, ई से एफ आए तो प्रेशर चेंज हुआ, ठीक है, आप किसी भी पॉइंट पे ले लीजिए, इस पॉइंट की बात करो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग प्रेशर कुछ और आएगा, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग प्रेशर कुछ और आया, लेकिन एफ से जी तक आते हुए प्रेशर की वैल्यू कॉन्स्टेंट है, नो चेंज इन प्रेशर मीन्स पी वन, इट रिमेन्ड पी वन, लेकिन उसके आगे जैसे ही हमने वॉल्यूम और कम किया तो प्रेशर एकदम से ज्यादा हो गया, इस पॉइंट को क्रॉस करते ही ये प्रेशर हाई हो गया और ये लाइन देखो बिल्कुल सीधी ऊपर चली गई, प्रेशर में कितना ज्यादा हाई गया है, ये लाइन स्ट्रेट क्यों है, ये लाइन स्ट्रेट क्यों है, रीजन टेम्परेचर कम, मॉलिक्यूल्स लिक्विफाइड, और आपको पता है इसको आप कितना सा कंप्रेस कर सकते हो, ये पोर्शन क्या है, लिक्विड एंड वेपर्स, लिक्विड्स आर लेस कंप्रेसिबल, गैस को तो आप जितना मर्जी कंप्रेस कर लो लेकिन ये पोर्शन स्ट्रेट आएगा, प्रेशर नहीं बढ़ेगा, क्यों, आप जितना भी वॉल्यूम को कम करने की कोशिश करो मॉलिक्यूल्स उससे ज्यादा नजदीक नहीं जाएंगे, लिक्विड्स आर लेस कंप्रेसिबल। तो आप देखो हर ग्राफ की नेचर एक जैसी है, यहां वाइडनेस ड्यू टू जितना लो टेम्परेचर, लोअर इज द टेम्परेचर मोर विल बी वाइडनेस ऑफ कर्व, ठीक है, जितना लो टेम्परेचर उतनी वाइडनेस ज्यादा, और करते करते एक टेम्परेचर, दूसरा टेम्परेचर, तीसरा टेम्परेचर, चौथा टेम्परेचर, पांचवा टेम्परेचर, एंड्रयूज उस टेम्परेचर पे पहुंचा, अब कार्बन डाइऑक्साइड के लिए 30.98 डिग्री सेल्सियस इज द ओनली टेम्परेचर जिसपे CO2 पहली बार लिक्विफाई होती है, पहली बार लिक्विड में कन्वर्ट होती है, हाईएस्ट टेम्परेचर जिसको आप रूम टेम्परेचर पे अटेन कर पाओ, दिस इज द टेम्परेचर 30.98 डिग्री सेल्सियस, इस टेम्परेचर के ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड गेट्स लिक्विफाइड। ओके, अब इस पर्टिकुलर टेम्परेचर को हमने फिर क्या नाम दिया, दिस इज कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर, दिस टेम्परेचर इज क्रिटिकल टेम्परेचर दैट इज 30.98, और किस पर्टिकुलर प्रेशर के ऊपर ये लिक्विफाई हुआ, हर प्रेशर पे नहीं होगा, इट विल बी लिक्विफाइड एट अ प्रेशर अराउंड 73 एटमोस्फियर्स, तो दैट पर्टिकुलर प्रेशर इज नोन एज क्रिटिकल प्रेशर, और
क्रिटिकल टेम्परेचर 30.98, 30.98 टेम्परेचर के ऊपर एंड एट अ प्रेशर इक्वल टू अराउंड 73 एटमोस्फियर्स, कोई भी गैस का वन मोल जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल वॉल्यूम. ठीक है, इट इज कॉल्ड क्रिटिकल वॉल्यूम. और ये वाला जो पोर्शन है, दिस पोर्शन, दिस इज हैविंग लिक्विड एंड वेपर स्टेट. अब आप देखो 30.98 से ऊपर जो दो टेम्परेचर्स एंड्रयूज ने लिए 31.1 एंड 50 डिग्री, कहीं पे भी वो लिक्विफाई नहीं हो रहे हैं. आप चाहे जितना मर्जी प्रेशर बढ़ा दीजिए, कहीं पे भी इसको कनेक्ट कर दीजिए, वो इसके साथ टच नहीं कर पाएगा. इट विल नॉट लिक्विफाइड. मींस 30.98 केल्विन टेम्परेचर से ऊपर अगर आप टेम्परेचर बढ़ा देते हो, आप 40 टेम्परेचर कर देते हो, ठीक है, आप 35 टेम्परेचर कर देते हो, जितना मर्जी प्रेशर बढ़ा लीजिए, क्योंकि टेम्परेचर की भी कंडीशन है, मॉलिक्यूल्स की स्पीड को भी कंट्रोल करना है और उनके बीच अट्रैक्शन को भी बढ़ाना है. तो जितना मर्जी प्रेशर बढ़ा लीजिए, CO2 लिक्विफाई नहीं होगी. ठीक है, तो इसके ऊपर एंड्रयूज ने काम किया है. अच्छा, अब एक चीज देखिए, अगर हमारे पास आइस है ना, अगर मेरे पास आइस है और आइस का टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस, मैंने टेम्परेचर चेंज करके कर दिया 25 डिग्री सेल्सियस, आइस से क्या बन जाएगा? वाटर. ओके, और वाटर से बन गया वाटर वेपर. टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस, क्लियर? टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब आइस का टेम्परेचर इंक्रीज किया तो लिक्विड हो गया वाटर, और लिक्विड का हमने गैशियस फेज में टेम्परेचर और इंक्रीज किया तो इट वॉज कन्वर्टेड इनटू वेपर. मतलब सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, तीनों स्टेट्स एक दूसरे के अंदर इंटरकन्वर्टिबल है. आप सॉलिड से लिक्विड फेज में शिफ्ट हो सकते हो, लिक्विड से गैशियस फेज में शिफ्ट हो सकते हो, इवन सॉलिड से गैशियस में भी शिफ्ट हो सकते हो. सब्लिमेशन. अच्छा देखो, ये मेरे पास वॉल्यूम V1, ठीक है, EF के ऊपर ये पॉइंट है A, और यहां पे इट इज एग्जिस्टिंग एज गैस, है ना? ओके, ये गैस F पॉइंट पे जाते ही लिक्विफाई हो जाएगा. ठीक है, हमने क्या किया, टेम्परेचर बढ़ा दिया, वी रेज द टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर A से बढ़कर क्या हो गया? B. अब ये किस रेंज में आ गया? 31.1 डिग्री के अंदर, उस रेंज के अंदर आ गया. अब आप प्रेशर बढ़ाते जाओ, लिक्विफिकेशन नहीं होगी, लेकिन इस केस के अंदर जहां पॉइंट ए है, अगर आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा. यू विल ट्राई टू रेज द प्रेशर, वॉल्यूम विल डिक्रीज एंड इट विल गेट लिक्विफाइड. तो गैस से आपने क्या बना लिया? लिक्विड फेज. अच्छा, यहां पे आप देखिए पॉइंट सी, पॉइंट सी के ऊपर क्या एग्जिस्ट कर रहा है? गैस फेज. ओके, टेम्परेचर डाउन कर दो, यहां पे टेम्परेचर है 31.1 और इसका टेम्परेचर है 30.98. हमने टेम्परेचर कम कर दिया, मतलब सी से कहां शिफ्ट कर गए? डी. टेम्परेचर कम करते ही गैशियस फेज था, गैशियस फेज से किस में आ गए? लिक्विड में, है ना? सिंपल. अच्छा, बिल्कुल किसी और तरीके से कर लो, जो ऑलरेडी लिक्विड में है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो अगली वाली रेंज में शिफ्ट हो जाएगा. तो आपको पता है सिंपल सी बात, आइस है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे इट विल मेल्ट, विल गेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, टेम्परेचर और बढ़ा दीजिए वेपर बन जाएगा. उल्टा करें, वाटर वेपर्स का टेम्परेचर डाउन कर दो, लिक्विफाई हो जाएंगे, और टेम्परेचर कम कर दो, आइस बन जाते. ठीक है, तो एंड्रयूज ही वॉज क्वाइट सक्सेसफुल, ही इज सक्सेसफुल इन एक्सप्लेनिंग द प्रोसेस ऑफ लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेस. और किन दो चीजों पे ये डिपेंड किया? सो इंक्रीज इन प्रेशर एंड डिक्रीज इन टेम्परेचर एंड ऑल्सो कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ. ठीक है, तो यहां से
अब एक और चीज, अब हमारे पास ये कर्व देखिए, अगर आप यहां से स्टार्ट करें, जे जी सी एक्स बी एफ आई, ये इस कर्व की, मैं इसको ऐसे बना देती हूं, मैं इस लाइन की बात कर रही हूं। जो भी ग्राफ लाइन, जो भी ग्राफिकल लाइन इस कर्व के अंदर है, जैसे एफ जी बी सी, तो इसके अंदर लिक्विड एंड वेपर दोनों ही चीजें, इट इज हैविंग बोथ लिक्विड एंड वेपर। इसके बाहर लेफ्ट वाले पोर्शन के ऊपर ये सारे का सारा पोर्शन लिक्विड, और इसके राइट वाले साइड का पोर्शन, इसके ये वाले जो बीच में मैंने लाइन अटैच की है, दिस इज कॉल्ड बाउंड्री। ठीक है, बाउंड्री किसकी है? ये लिक्विड एंड वेपर फेज की, जिसमें लिक्विड एंड वेपर्स कलेक्टिवली प्रेजेंट है। तो लिक्विड एंड वेपर के बाहर इधर लिक्विड और उधर गैस, और बीच में क्या है? लिक्विड एंड वेपर बोथ। ठीक है, तो क्रिटिकल प्रेशर क्या है, क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है और क्रिटिकल वॉल्यूम क्या है, ये मैंने डेफिनेशन आपको पहले ही बता दी। लेट मी कंक्लूड, हमने एंड्रयूज के एक्सपेरिमेंट से क्या सीखा, क्या हम कंक्लूड कर रहे हैं उससे, दैट जब हम टेम्परेचर को कम करते हैं तो गैस से लिक्विड बन जाता है, लो टेम्परेचर के ऊपर मॉलिक्यूल्स कम क्लोजर। जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं वॉल्यूम बढ़ जाता है ना, लो टेम्परेचर पे वॉल्यूम कम हो जाता है, चार्ल्स लॉ, राइट? तो लिक्विड से क्या बन जाता है? गैस। पानी को गर्म करो, वेपर बन जाएंगे। ठीक है, ओके। अब ये जो चेंज है ना, लिक्विड से गैस या गैस से लिक्विड, दिस प्रोसेस इज रिगार्डेड एज कॉन्टिन्यूस। हम इस प्रोसेस को ये नहीं सोचते कि अभी हो गया एंड खत्म, नो, दिस इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। चाहे गैस से लिक्विड बनता है, चाहे लिक्विड से गैस बनता है। आई हैव यूज द वर्ड वाइस वर्सा, राइट? अब देखो, इसका मतलब देयर इज कॉन्टिन्यूटी बिटवीन गैशियस एंड लिक्विड स्टेट। दोनों के बीच में एक कॉन्टिन्यूटी है कि वो गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है और लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस कॉन्टिन्यूटी को हम कैसे रेकोगनाइज करते हैं? टू रेकोगनाइज दिस कॉन्टिन्यूटी हम टर्म यूज करते हैं फ्लूइड। ठीक है, फ्लूइड। अब देखो, फ्लूइड के ये जो टर्म है फ्लूइड, इट इज यूज्ड आइदर फॉर गैस और लिक्विड, दोनों के लिए यूज होती है। इसका मतलब आ लिक्विड कैन बी कंसिडर्ड एज डेंस गैस। जब गैस के मॉलिक्यूल बहुत पास पास आ गए, डेंस हो गया, तो क्या बन गया? लिक्विड। कॉन्टिन्यूटी का मतलब यही है ना, कि जो लिक्विड है इट इज डेंसली क्लोजली पैक्ड गैस, क्योंकि कॉन्टिन्यूस है, गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है और लिक्विड गैस में। दोनों फॉर्म्स के अंदर डिफरेंस कब हमारे सामने आएगा? जब हम क्रिटिकल टेम्परेचर को माइंड में रखेंगे। क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे लिक्विड स्टेट एग्जिस्ट करती है, क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर गैशियस स्टेट एग्जिस्ट करती है। 30.98 डिग्री सेल्सियस से नीचे कार्बन डाइऑक्साइड एग्जिस्ट एज लिक्विड। और जो पोर्शन मैंने मार्क किया था ना पीछे, जे जी सी समथिंग समथिंग, उसके अंदर, उस शेडेड पोर्शन के अंदर जो चीजें आएंगी, दैट विल बी हैविंग लिक्विड एंड वेपर टुगेदर। उसके लेफ्ट में इट विल बी प्योरली लिक्विड, उसके राइट में इट विल बी प्योरली प्योरली गैस। तो कंसेप्ट ऑफ क्रिटिकल टेम्परेचर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर जो प्रेशर था, जिस प्रेशर पे गैस लिक्विफाई हुई, दैट इज क्रिटिकल प्रेशर। और दोनों कंडीशंस के अंदर, क्रिटिकल टेम्परेचर एंड क्रिटिकल प्रेशर, जो वॉल्यूम गैस ऑक्यूपाई करेगी, दैट विल बी क्रिटिकल वॉल्यूम। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो के अंदर और बात करेंगे हम लिक्विड स्टेट के बारे में। ठीक है, तो तब तक, जब तक हम नया वीडियो लेकर आए, आप इसको लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड ऑन योर नोटिफिकेशन बेल, राइट? ओके, तो स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग वीडियो। टिल देन, स्टे होम, स्टे सेफ।